नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। जिले के खेरहा थाना अंतर्गत SACL की भूमिगत दामिनी कालरी खदान में किसानों की भूमि अधिग्रहण के दौरान प्रथम मुआवजा लाभ के बाद द्वितीय नौकरी देने के लाभ में लेट लतीफ करने के विरोध में आज सुबह से किसानों ने दामिनी कालरी गेट के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस आंदोलन के लिए ग्रामीणों ने पूर्व में ही जिला प्रशासन को पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया था। आंदोलन स्थल पर पुलिस बल तैनात है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि क्षेत्र में संचालित कोयला खदानों से निकला दूषित पानी उनके खेत में छोड़ा जाता है, जिससे उनकी खेती भी प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही उन्हें जो मूलभूत सुविधा सड़क बिजली पानी मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। SACL के द्वारा किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर SACL प्रबंधन के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। जी, गणेश प्रसाद रौतेल, सरपंच ग्राम पंचायत खैरहा। मैं किसानों के साथ हूँ। जो किसान निर्णय लेंगे उनके साथ में। किसानों का क्या मुद्दा है? किसानों का मुद्दा है नौकरी। किस बेस पे? ये जमीन संबंधित है। जो उनका जमीन ले लिया गया कालरी द्वारा और नौकरी अभी तक उनको नहीं दिया गया है। आज ये दामिनी में कि ये किसान आंदोलन का रूप ले लिया है। हम किसान भाइयों की तरफ से ये आंदोलन तक स्थित बन गई है। आज यहाँ ग्राम पंचायत में ना तो रोड है, ना बिजली है, ना सड़क है, ना पानी है। और हमेशा हम कुल प्रबंधन से मांग करते रहे हैं, आश्वासन के अलावा हमको 20 वर्षों से आज कालरी खुली है, लेकिन आज तक हमको कोई भी कार्य आज तक नहीं कालरी के द्वारा नहीं कराया गया। और क्षेत्र की जनता यहाँ तक कि प्रदूषण से अपंग की स्थिति हो गई है और सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। किसी का घर गिर रहा है ब्लास्टिंग से इनके, किसी का कुछ भी हो रहा है, लेकिन कोल प्रबंधन के द्वारा कोई भी आज तक आश्वासन के अलावा, हमारे साथ छलवा के अलावा कोई भी निर्णय कदम नहीं उठाया गया। निकलने वाला गंदा पानी इससे आपके गांव में जीवन क्या प्रभाव है? खदान से गंदा पानी निकलने वाला मवेशी तक नहीं पी पा रहे, वो मवेशी तक मर रहे हैं यहाँ से प्रदूषण की। जितना इतना प्रदूषण है, आप रोड देख लीजिए, यहाँ से बच्चे बुढ़ार पढ़ने भी नहीं जा पा रहे हैं रोड के कारण। इतने इतने गड्ढे हैं कि आप देखेंगे तो आप खुद ही उसका वो करेंगे।